कितने महीने का है? ये साल भर का है। साल भर का बच्चा है। अब सोचिए, जब पेट में बच्चा पेट में था, मतलब एक दो महीने बाद डिलीवरी होने ही वाली थी इनका, उसी वक्त वो उसी वक्त हुआ था ना ये सब वाक्य। तो जब वो ये सुना, प्रधानमंत्री के पास जाने का प्लान है आप लोगों का? जी, प्रधानमंत्री तक भी हम लोगों का प्लान है, लेकिन प्रधानमंत्री तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? गरीब लोग कहाँ पहुंच पाते हैं? जी, बड़े बड़े लोग तो चले जाते हैं, लेकिन हम लोग एक गरीब है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग के पास तो पैसा है ही नहीं, बड़े लोग के पास तो है, वो लोग चले जाते हैं। बताइए, कितने बेटे हैं आपके? हमारे बेटे तीन थे, एक लड़की है। अच्छा, ये किस नंबर पे थे नीरज, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है? सबसे बड़ा है वही। सबसे बड़े थे तो वही कमात रहे, धमात रहे लड़के। मतलब घर उन्हीं की वजह से टिका हुआ था। नहीं को साथ चला हुआ है। ये नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये पाकिस्तान आखिर कब तक हमारे ऊपर जुल्म ढाता रहेगा? आखिर पाकिस्तान कब तक हमारे नागरिकों के साथ जुल्म ढाता रहेगा? पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाता तो पाकिस्तान हमारे देश के नागरिकों को गिरफ्तार कर लेता है। जी हाँ दर्शकों, इसी तरह का वाक्य आया था जो है इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये भदोही का भटेरा है और यहाँ के एक लड़के थे, किसी माँ के बच्चे थे, किसी महिला के पति थे, वो गुजरात के समुद्र से होकर के पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर जाकर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और पाकिस्तानी कारावास में डाल देते हैं। आइए, इस वक्त मैं नीरज के परिवार के पास ही हूँ, आइए इनसे बात करते हैं। आखिरकार नीरज की ये पत्नी है, ये क्या कहेंगी? नीरज की माँ है, ये क्या कहेंगी? और नीरज का ये भाई है, ये क्या कहेगा? आइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। अच्छा, ये बताइए पूजा, ये मामला कब का है, कितना पुराना हो चुका है? 8 फरवरी सन 2022, डेढ़ साल हो गया हमारे पति को पकड़े गए। अच्छा, तो क्या करने गए थे? मछली मारने का काम कर रहे थे, गुजरात गए थे। अच्छा, तो गुजरात में ही रहते थे वो? हाँ, गुजरात में रहते थे, 15 दिन के बाद मछली मार के बाहर निकलते थे वो लोग। अच्छा, तो मतलब समुद्र में ही, जहाज पे ही रहते थे? हाँ, समुद्र में ही, अपनी बोट में ही रहते थे। तो वहाँ पर जितने लोग थे उनके साथ और लोग भी थे, जितने लोग वो भी गिरफ्तार हो गए? 8 लोग थे, 8 लोग चले गए। सारे लोग चले गए जी। उसमें से अभी ये सुनाई दे रहा था, कुछ महीने पहले पाकिस्तान के जेल से भारत के कुछ लोगों को छोड़ा गया था, ठीक है, सैकड़ों लोगों को छोड़ा गया था, उसमें इनका नाम नहीं था? नहीं, मेरे पति उसमें नहीं थे। ये जान लीजिए दर्शकों, अभी भी पाकिस्तान, मतलब ये जान लीजिए कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इसीलिए जाना ही जाता है, जब पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत पाता तो इंडिया के नागरिकों को गिरफ्तार करके, उनको पकड़ करके, बंदी बना करके उन पर जुल्म ढाता है। आइए माताजी से बात करते हैं। माताजी क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? कुसुम नाम है। अच्छा, ये बताइए, कितने बेटे हैं आपके? हमारे बेटे तीन थे, एक लड़की है। अच्छा, ये किस नंबर पे थे नीरज, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है? सबसे बड़ा है वही। सबसे बड़े थे तो वही कमात रहे, धमात रहे लड़के। मतलब घर उन्हीं की वजह से टिका हुआ था। नहीं को साथ चला हुआ है। ये जान लीजिए दर्शकों, ये जो घर चल रहा था पूरा उन्हीं के ऊपर टिका था, वही चला रहे थे, नीरज ही चला रहे थे, लेकिन आज देखिए किस तरह से घर चल रहा है, किस तरह से चला रहे हैं घर। घर का चला है, हम लड़कियों के बने पढ़ाई नहीं पाते, लिखाई नहीं पाते, आइए पन्नी दिखाई दे लगाए है ही न, प्रधान सुना था न, हमें आवाज देते हैं न, कुछ देते हैं, हम लड़कियों कैसे अपने पढ़ना ले, कपड़ा ले, कैसे उन्हें हम पढ़ाई लिखाई। नाती भी हमारे भाई दिक बीमार चला थे, उनका औरत भी बीमार चला थी, हम कैसे उनका दवाई करी, कौन हम कहीं नहीं पावत है। अच्छा, ये बच्चा कितने कब कितने महीने का है? ये साल भर का। साल भर का बच्चा है। अब सोचिए, जब पेट में बच्चा पेट में था, मतलब एक दो महीने बाद डिलीवरी होने ही वाली थी इनका, उसी वक्त वो उसी वक्त हुआ था ना ये सब वाक्य। तो जब ये सुनाई पड़ा आप लोगों को कि ऐसा मामला हो गया है, कहीं ना कहीं पति को पाकिस्तानियों ने ले जाकर के बंद कर दिया है,
तो फिर कहाँ कहाँ गुहार लगाने पहुँची है आप? सूर्यामा थाना ज्ञानपुरा जिला जौनपुर मछली सर, हम लोग सभी जगह पे गुहार लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री के पास जाने का प्लान है आप लोगों का? जी प्रधानमंत्री तक भी हम लोगों का प्लान है लेकिन प्रधानमंत्री तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे? गरीब लोग कहाँ पहुँच पाते हैं? जी बड़े बड़े लोग तो चले जाते हैं लेकिन हम लोग एक गरीब है इसलिए हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग के पास तो पैसा है ही नहीं, बड़े लोग के पास तो है, वो लोग चले जाते हैं। मोदी सरकार सिर्फ बड़े लोगों को जानते हैं, छोटे लोग को नहीं, गरीब लोग को कभी नहीं जानते हैं। जब उन्हें वोट लेना है तो गरीब को जानते हैं और वोट नहीं लेना होता है तो नहीं जानते। सोचिए महिला आज गुस्सा है, नाराज है मोदी सरकार पर भी। वजह है वही कि जब इनके पति पाकिस्तान की जेल में बंद है तो आखिर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आखिर कैसे इनके पति को वहां से नहीं लाया जा सकता, यह भी सवाल है। तो माता जी अब कहां जाने वाली हैं, अगला गुहार कहां लगाएंगी आप? अब कहां लगाए, प्रधान लगे जात है, ये प्रधान से कहा थे, प्रधान को सुनते ही नहीं है। प्रधान कहां कर पाएगा? प्रधान तो जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण लेवल का, ग्राम सभा के एक प्रधान है, वो कहां कर पाएगा? ये तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं ना देश के। तो ज्ञानपुरा गए रहे, मुख्यालय गए रहे, अब वो कागज पुर्जा कुल जमा करे, कहे सुने हैं, अब देखा कैसे छोड़ा के लिए आवाई। हम तो ये सोचे था कि सबके लगे कहा सुना था छोड़ा के हमारा लड़के आपसी करें, और हम लड़कियन के पर कुछ कह पावत हैं नहीं पात हैं, हम लड़के हमारे बीमार तंग चलत हैं। अच्छा घर का कैसे खर्चा कैसे चल रहा है इस वक्त? हमारे घर वाला ही नहीं है जी, हमारे घर का स्थिति बहुत खराब है। हमारे एक ससुर हैं और हमारे पास देवर ननद सब छोटे छोटे हैं, कमाने वाला सिर्फ वही मेरा पति एक था, उनका बच्चा भी है, हम सब बहुत 6-7 परिवार हैं लेकिन अकेले आदमी कितना खिला पाएगा? हम लोगों का पेट पाल रहा है लेबराना करके, हम लोग सही से खा पी नहीं पा रहे हैं लेकिन जिस दिन से पकड़े गए हम लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, लेकिन कोई सरकार हमारी कोई भी गुहार नहीं सुन रही है। आखिरकार इस गरीब घर के बेटे को कब पाकिस्तान छोड़ेगा? पाकिस्तान आखिर कब तुम बाज आओगे? पाकिस्तान आखिरकार कब तुम सुधरोगे? क्या इसी तरह से नीची हरकतें हमेशा करते रहोगे? अगर इसी तरह से तुम हरकतें करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी के मैप पर पूरा पाकिस्तान नहीं रहेगा। आइए छोटा सा भाई, इनका छोटा भाई है नीरज का, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? करण। करण अच्छे तो आइए, आपके सबसे बड़े भैया थे वो? यस। भैया मानते थे आपको? हाँ। आते थे, पैसा वैसा देते थे? हाँ। क्या कहेंगे भैया को, भैया पर? भैया को मैं कहता हूँ मेरा भाई छूट जाए वहाँ से, मेरे घर पे आए। किससे गुहार लगाओगे, भारत के प्रधानमंत्री से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मैं सबसे कहूँगा हाथ जोड़कर मेरा भाई इंडिया पर जल्दी से जल्द छोड़ा जाए। स्कूल जाते हो? नहीं। इससे स्कूल नहीं जा रहे हो? पैसे नहीं था, कहाँ पे जाए, कौन पढ़ाएगा? सरकारी प्राथमिक भी जाते थे, बंद कर दिए। यस। ये सोचिए, आइए इनसे पूछते हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा हंसा नाग भैया। क्या लगती हैं नीरज की आप? उनका बड़ी मम्मी लगती हूँ बगल को। अच्छा, क्या कहेंगी जिस तरह से नीरज को? हाथ जोर से कहा था ही कि हाँ। नीरज ये अपने गांव चला आवे, हाँ। अपने बाल बच्चा में हो जाए, अपने कायदे से खाई करा। कैसे अकेले आ पाएंगे जब सरकार छुड़ाएगी भारत की उनको? तब तो मिल के छुड़ाओगे तभी नहीं छूटेगा, ऐसे थोड़ी हमारे सब लोग हमारा सबका कोई सुन ही नहीं रहा है, करूँ का। और देखिए ये दादी है, नीरज की दादी है, दादी से पूछते हैं क्या कहेंगी, क्योंकि आज इनका नाती पाकिस्तान के जेल में बंद है, वहाँ पर क्या पाकिस्तानी उनको खाना दे रहे होंगे या फिर नहीं, क्या पाकिस्तानी उन पर क्या किस तरह से हरकतें कर रहे होंगे पाकिस्तानी उन पर? सबसे बड़ी सवाल तो ये है। पहले दादी जी से बात करते हैं। दादी जी नाम क्या है आपका? हमारा सावित्री। क्या कहेंगी दादी जी आपका? कहीं ना कहीं नाथ आई जाते हैं भैया का, जानी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सगता सोर से लगावत है, लगत नहीं है, अब सगता तो दौड़ाता है भैया। भैया हमारे आई जाते हैं बहुत ही नगद रहा, बहुत होता करता ही है कि उनकर याद, भैया हमारे दिखाता ही नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का लोग ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे
तो न जाने इस देश का युद्ध रुकवा सकते हैं, उस देश का युद्ध रुकवा सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से यही गुहार लगाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी मैं आपको तभी मैं मानूंगा कि हकीकत में आप ऐसा कर लेते हैं जब आप इस बच्चे को, इस माँ के बेटे को, इस महिला के पति को पाकिस्तान की जेल से छुड़वा करके लाएंगे ना दादी। तो भैया हमारे भैया आई जाते हैं बहुत ही नगद रहा, भूखिया नहीं बर्दाश्त करते रहन, कैसे भूखिया बर्दाश्त किए हैं भैया। सोचिए दादी रो रही है, दादी को दिखा देखो रो रही है भैया। हमारे खाए बिनो ऐसे दिक्कत हो जान भैया, हमार कतर समझते माई थे बुढ़िया खाना खा भाई ना भैया, हमार कतर दिखाता ही नहीं हम क्या करी भैया, बहुत उठा कर थी भैया हमारे आ जाते तहार बच के कृपा हो जाते आ जाते भैया हमारे हमारे निगाह से दिखा जाते बहुत दौड़ा था नाई के हर जोर से लगा था भैया के हमारे हम ये कहता ही आ जाते बहुत नगद रहा। ये थी इनकी गुहार। प्रधानमंत्री जी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस घर के बच्चे को, इस माँ के बेटे को, इस महिला के पति को इन्हें वापस लौटा दीजिए, इनके पति को पाकिस्तान से सीधा बोलिए कि लौटा दे, वरना आप पाकिस्तान को जैसे भी लाल आंख दिखाना चाहें दिखाइए, लेकिन इस महिला के पति को, इस महिला के बेटे को इनको वापस जरूर लौटाइए, तभी हम मानेंगे कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी सच में ताकतवर हैं। वाकई में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही ताकतवर हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व के एकमात्र नेता हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।